सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी ने अपना तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान मेनका गांधी हर ग्राम पंचायत में जा रही हैं और वहां के आम लोगों के साथ साथ ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद कर रही हैं। इस दौरान मेनका गांधी ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी ग्राम प्रधान काम में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुल्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये तस्वीरें सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ इलाके की है, जहां अपने तय वक्त पर जिले की सांसद मेनका गांधी पहुंची। मेनका गांधी ने मंच से सभी को संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में ही लोगों से बात और खुलेआम बोला कि उनके राज में भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा। इससे पहले उन्होंने कई ग्राम प्रधान और सचिव पर मुकदमा दर्ज करवाया है और आगे भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो ऐसी ही कार्रवाई करेंगी। अब कईयों पर मैंने केस लगाया, कईयों से हम आहिस्ते आहिस्ते से पैसा वापस वसूलेंगे, लेकिन अब आपके पास 5 साल, पांच साल में समझ लें कि आप मेरे नुमाइंदे हैं गांव में। मुझे अगर आप नहीं माना, नहीं माना, नहीं सुन लीजिए, ये आपका ना कुछ बिगाड़ रही है ना कुछ, क्या आफत आ गई, क्या आफत, और कोई काम नहीं है तुम्हारा, और कोई काम नहीं है। आपने मेरे ऊपर उपकार किया क्या? अपने से छोटों पर कभी नहीं हाथ उठाते, कभी नहीं। अब मैं कह रही हूं कि प्रधान मेरे नुमाइंदे, एक एक प्रधान पर मेरी इज्जत टिकी है, मुझे शिकायत नहीं चाहिए। जो गरीब वंचित रह गए घर के, देख लेना कि उनका नाम घर के लिए चढ़ जाता है, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया या नहीं दिया। मैंने आज तक जब मैं काम करती हूँ किसी के लिए, तो मैं कभी पूछती नहीं हूँ आपने मुझे वोट दिया कि नहीं, मैं कभी पूछती नहीं हूँ कि आप कौन से जाति के हैं, और जब मैं नहीं करती हूँ तो आप भी नहीं करें। मंच से संबोधन के दौरान मेनका गांधी ने साफ कहा कि कई ग्राम प्रधानों ने अपने रिश्तेदारों को शौचालय दिया तो कुछ को मकान दिए। पुराने ग्राम प्रधानों ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में गरीब और जरूरतमंदों को दरकिनार कर दिया। सबसे पहले मैं प्रधानों से बात करना चाहती हूँ। 5 साल के लिए भगवान ने आपको मौका दिया है लोगों का भला करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इनको ये तोहफा मिला है, लेकिन ये तोहफा नहीं है। जो मेरी भी नौकरी है वो मेरे लिए तोहफा नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक दायित्व है जो आपको भगवान देते हैं गरीब से गरीब की मदद करने के लिए। उन्होंने ये वक्त इस्तेमाल किया लोगों को लूटने में, कोई शौचालय आ गए तो शौचालय का पैसा लेकर के भाग गए, बात सही है कि नहीं? कोई प्रधानमंत्री योजना से कमरे आए तो उन्होंने कमरे अपने रिश्तेदारों को दे दिए, बजाय कि उन लोगों को देना जिनके पास कोई घर बार नहीं था, बात सही है कि नहीं सही है? कोई विधवा का पेंशन, कोई बुढ़ाओं का पेंशन, किसी का नलकूप, किसी के हर चीज पर जान खाता है, हर चीज। अपने संबोधन में ही मेनका गांधी ने नए ग्राम प्रधानों से वायदा लिया, ऐसा वायदा जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा और न ही कभी किसी ने सुना। मेनका गांधी ने कहा कि जो भी ग्राम प्रधान अपने गांव के जमीनी मामलों को खत्म करवा देगा उसे मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। जहां जहां लड़ाई है मैं उस प्रधान को मैं खास करके एक तोहफा दे दूंगी, और एक तगड़ा तोहफा दे दूंगी उसके गांव के लिए। सुन ले, अगर वो मेरे लिए काम करे, हर गांव में करीबन 150 और 160 के बीच में लड़ाइयां हैं, अगर आप सारी लड़ाई सुलझा दें, क्योंकि ज्यादातर तो जमीन के ही लड़ाई है, पट्टों की ही लड़ाई है, जिस प्रधान शून्य पर आ जाए लड़ाइयां, वो मुझसे कुछ भी मांगे मैं उसके गांव के लिए कुछ दे दूँ। क्या ये शर्त लग गई? चलिए, और क्योंकि ये लड़ाइयां से मैं दुखी हो जाती हूँ। आज सुबह के मैं 6 बजे की उठी हूँ, कम से कम 200-300 लोग आए, सब की लड़ाइयां थी। मेरे पतिदार मुझे घर नहीं बनाने देता है, मेरे पतिदार ने मेरा नल रोक दिया है, मेरी जमीन पर कोई आने नहीं दे रहा है, ओ मेरे पतिदार का घर आप रोक ले, करते करते मेरा दिल बहुत दुखता है। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। खैर, मेनका गांधी ने अपना दौरा शुरू कर दिया है, क्योंकि अगले ही साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में
सभी के कंधों पर अहम जिम्मेदारी होगी और विकास ही इस बार भी बीजेपी का अहम मुद्दा रहेगा। लिहाजा मेनका गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे थे तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।